नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरिद्वार की खबरों से। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार भारी बारिश होने के कारण कई जगहें बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। पूरी स्थिति पर खुद सीएम धामी अपनी नजर बनाए हुए है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही चार धाम यात्रियों को भी मौसम की जानकारी लेने के बाद ही चार धाम यात्रा पर आने की बात कही है। मानसून सक्रिय रहा है और अतिवृष्टि हुई है, उसके कारण से पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों स्थानों पर, चाहे आज हमारा चमोली जनपद हो, रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी, पौड़ी जनपद में कोटद्वार, दुगड्डा, उसके आसपास का क्षेत्र, नैनीताल का हल्द्वानी, रानीबाग, काठगोदाम वाला क्षेत्र, उधम सिंह नगर में सितारगंज, खटीमा, खांसीपुर, बाजपुर, अनेकों स्थान जलमग्न हो गए हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की बस ने कार को टक्कर मारी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वाहन चालक के साथ जमकर मारपीट की। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मसूर में से पूर्व किंगरेक पर, झील पर, क्यारगुली मोड़ पर, आईडीपीपी के पास कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें बस सवारों द्वारा, बस सवार घटना का में शामिल थे, लोग मरे, ड्राइवर नशे में रहे, ड्राइवरों की लापरवाही, कंडक्टर की लापरवाही से ऐसे कार्य हुए। और आज फिर एक बार मैसारीगंज बस स्टैंड पे एक सवारी से भरी हुई बस एक गांजा स्मैक और नशे में धुत ड्राइवर ने दे मारी एक दुकान पर और गाड़ी पर। झांसी में सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली मंडी परिसर से शुरू होकर अम्बेडकर तिराहे पर खत्म हुई। किसानों के प्रतिनिधित्व मंडल ने सीएम योगी को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। सिंचाई बिजली मुक्त करने की बात कही गई थी चुनाव में, लेकिन आज तक हुई नहीं। बजट तो पेश किया, बजट ले लिया। भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसकी भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने खुद कमान संभाली। राकेश टिकैत ने भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च को अगस्त ट्रैक्टर क्रांति मार्च नाम दिया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मौसम ठंडा रहेगा और आंदोलन गर्म। झांसी के इमलोटा के ग्रामीणों का आरोप है कि वन क्षेत्राधिकारी ने वन विभाग की जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया। वन क्षेत्राधिकारी गुरसराय ने फर्जी आंकड़े तैयार कर सरकारी योजना के लाखों रुपए फर्जी तरीके से निकालकर बंदर बांट कर लिए, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुलंदशहर में तेज रफ्तार रोडवेज बस एक ट्रक में टकरा गई। वहीं घटना में चार लोगों की मौत हो गई, साथ ही नौ लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। कितने हाथ हुए हैं, कितने लोग घायल हैं? साहिबाबाद डिपो की एक बस बदायूं से दिल्ली जा रही थी, बुलंदशहर को पार करके वो जो अलीगढ़ और गाजियाबाद हाईवे है उस पर मुड़ रही थी। दूसरी तरफ से एक ट्रक आ रहा था जो नागालैंड का रजिस्ट्रेशन है जिसके नंबर का, उसने बस में टक्कर मारी है और बड़ी दुर्घटना घटी है जिसमें चार लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। हरदोई में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई। रिजर्व पुलिस लाइन से शहीद उद्यान तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें डीएम मंगला प्रसाद सिंह, एसपी राजेश द्विवेदी समेत अन्य अधिकारियों के साथ छात्र छात्राएं शामिल हुए। हर घर तिरंगा कार्यक्रम, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं और इस अभियान के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम भी
13 से लेकर 15 अगस्त तक आयोजित होना है। उसी के क्रम में जन जागरूकता के तहत और राष्ट्र प्रेम की भावना को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराया कांड पर फैसला आ गया है। कोर्ट ने सीबीआई के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि केस से जुड़े फोटोकॉपी के आधार पर सुनवाई होगी। सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने फैसला सुनाया है। झांसी में चेकिंग अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आधा दर्जन शातिर चोरों के गिरोह को दबोचकर उनके कब्जे से कई गाड़ियां बरामद की है। पुलिस पकड़े गए शातिर चोरों से पूछताछ कर रही है। बुलंदशहर में अपराधों पर रोक लगाने को लेकर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 160 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुए हैं। सर, विजयनगर थाना क्षेत्र में सर अवैध शराब पकड़ी गई, सर किस तरह से शराब पकड़ी गई, क्या इसकी सूचना थी? स्वाट टीम और विजयनगर टीम को एक सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो अवैध शराब यहाँ हरियाणा से लेकर के बिहार तक ले जाते हैं। इस सूचना पर इन लोगों द्वारा दर्ज की गई, तो पता लगा कि उसमें एक बस है, बस में उन्होंने कैबिनेट बनाया हुआ है सवारी के बजाय, उस कैबिनेट में शराब रख करके बिहार यूपी बॉर्डर से बिहार बॉर्डर के अंदर प्रवेश कराते थे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।